पडौना का सोसाइटी है जो पीछे मकान देख रहे हैं, लेकिन इसकी जर्जर हालत ये बता रही है कि यह कब ढह जाएगा कुछ पता नहीं। 1965 का बना हुआ ये मकान है, और मैं ये अवगत करा दूं कि यहाँ 3 एकड़ में फैला हुआ पूरा एरिया है। इस एरिया को आप देख सकते हैं 3 एकड़ में, पीछे भी आप एरिया देखेंगे 3 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ जगह है। इसकी हालत इतनी है कि मैं इसके अंदर जाने में मुझे डर लग रहा था कि कब ये मकान गिर जाएगा। तो आप अगर सरकार से इनको सुझाव समझिए या जो माने सरकार से, मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को देखें, जो भी उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं या जो भी पर्यटन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको जितना दुरुस्त और जितना अच्छा रखेंगे वो लाइफ टाइम के लिए उतना ही बेहतर रहेगा, उसमें कम खर्चे आएंगे। ये मकान कभी भी पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे और जर्जर हो चुका है, कभी भी मकान ढह सकता है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि ऐसे मकानों को, ऐसे चीज़ों को चिन्हित करके और सही और दुरुस्त करें, और इसके रख रखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में माली, वॉचमैन, गार्ड, क्योंकि यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो मैं वीडियो के गेट के तरफ दिखा रहा हूँ, वहाँ पे पेशाब करने का एक जरिया बना दिया है, वहाँ उस साइड में पेशाब करने वाला एरिया बन गया। तो इस चीज़ों को आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी आना चाहें, कभी इस चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ बेहतरीन जगह है कि यहाँ पे अगर चाहे तो पार्क नुमा कुछ भी बनाया जा सकता है और इसको दिखा लोग इसको आनंद ले, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी। मुझसे बच रहा है, तो अगर भविष्य में ऐसा बात होगा तो मैं एक इस पर अलग सा एक वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे जनता को और यहाँ के शासन प्रशासन को, देखिए उधर पीछे साइड में बिल्डिंग कैसे ध्वस्त पड़ी हुई, जनता और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी होती रहे और वह और बेहतरीन उसको कम खर्चे में कर दे। क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने में हमें समझ में आता है, मिडिल क्लास सोसाइटी जानता है कि एक बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता होगा, और उसके रख रखाव अगर ना किया जाए तो जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है। इसकी रंगाई पुताई भी समय से होनी चाहिए, इसके लिए एक माली होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए कि कोई भी आगे पेशाब ना करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होना चाहिए। और ऊपर का भी देखें तो कितना हिस्सा ये देखें ऊपर का छत टूटा हुआ है। तो आप मैं सरकार से एक बार फिर से पुनः गुजारिश करूँगा कि ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित कर करके प्रदेश में, देश में जो भी हैं, जो सरकार द्वारा बनाया गया उसको सही करें, और इसके रख रखाव के लिए माली और गार्ड स्वयं कुछ और लोगों को जो ऑडिट टीम बनाएं, और हर विभाग में जो वैन है, गाड़ियां होती हैं, जो बिल्डिंगें होती हैं, जो ज़मीन है, तो उसकी चिन्हित करके उसको सही करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक सोच नई दिशा की ओर।